अंबरपेट विधानसभा से इंडिया प्रजा बंधु पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुजाहिद ने जुमे को बाग अंबरपेट में इंतखाबी मुहिम के तहत घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद मुजाहिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं और गरीब लोगों की ज़रूरियात से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने इस मौके पर आवाम से वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। जैसे कि हमेशा हमारे पास हर ख्वाया जाता, अंबरपेट का मैं मुकामी हूँ, हर ख्वाया जाता अपने घर को कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, हमसे झूठे वादे करता। मगर आज तक हमारा वादा पूरा नहीं हुआ। पूरा अंबरपेट में 5 डिवीज़न है। आज मैं माइनॉरिटीज़ का दौरा करा, तकरीबन माइनॉरिटीज़ मेरे को ये बोल रहे कि हमारे बाग अंबरपेट बोल के मेरे को सवाल पूछे हो लगा। मैं बोला इंशाल्लाह आप लोग मेरे को वोट दो, मैं आपकी ताकत बनूंगा, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ की इंप्रूवमेंट कराऊंगा। ऑलरेडी मेरा प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोले। तो पहला मुद्दा ये है, बाग अंबरपेट डिवीज़न में 5 कॉर्पोरेटर है, 5। ये 5 जब सेकुलर है तो एक मुसलमानों का कम्युनिटी हाल क्यों नहीं है? लोग चचा मेरे को सवाल करें, बड़ा सवाल है उनका। ऐसे कई सारे मसाइल, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ इलेक्शंस के दिन आते वोट लेते चले जाते। मगर मैं अंबरपेट का गरीब बच्चा हूँ और मेरे यहाँ होटल थी, होटल तक अरसे का कारोबार कर चुका हूँ मैं। तो मेरे को कई होटल पे भी रहने के बाद सोशल एक्टिविटीज़ में भी था, मेरी फेसबुक पे भी अकाउंट है, मैं यहाँ तक पहुँचा, फेसबुक के जरिए पहुँचा। मैं कोई चाह के इलेक्शन लड़ूंगा या अपने से बड़े ऊंचे आदमी को देखकर लाल बत्ती की गाड़ी में फिरूंगा, कार में फिरूंगा, बल्कि नहीं आया। एक गरीब को मालूम रहता कि गरीब की घर में हालात क्या है, मजबूरी क्या है। तो ये मजबूरी मेरे को तकरीबन जने बोले कि भाई हमारी आवाज़ तुम बन सकते, तुम जो फेसबुक पर बोलते तुम हमारे लिए असेंबली को जाके बोलना है बल्कि। तो इंशाल्लाह ताला आवाम चाहिए तो मैं यहाँ पे कदम उठाया जाऊँ, आप लोग सबका सबका ताउन चाहिए। इंशाल्लाह ताला मेरा निशान ट्रम्पेट है, बताइए जी, मेरा निशान ट्रम्पेट है, मेरे निशान को और देखे मुझे मजबूत बनाइए। आप देख रहे हैं DK5, तेलंगाना का पहला मल्टीलिंगुअल न्यूज चैनल।